सुप्रभात भैया बहनों, आज हम कक्षा दसवीं में विज्ञान विषय में पाठ 17 दैनिक जीवन में रसायन इस पाठ को प्रारंभ करेंगे। इसमें पहला टॉपिक आपका जल से संबंधित है, लेकिन इस पैंडेमिक के चलते जो कोरोना काल में बोर्ड द्वारा आपका कुछ सिलेबस कम किया गया है, तो विज्ञान में केवल और केवल एक ही टॉपिक कम किया गया है जो इस चैप्टर का है, जल। जल की कठोरता, जल की उपयोगिता, पीने योग्य जल, जल प्रदूषण, जल से संबंधित जो भी इसमें है, तो वो टॉपिक आपका ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अब जो टॉपिक है इस चैप्टर में स्टार्ट होगा वो है साधारण नमक। नमक आप जानते हैं, आप खाते हैं, नमक क्या होता है, कैसे बनता है, समुद्र के खारे पानी में से बनता है। ये खारे पानी में 30 से 35 ग्राम लवण प्रति लीटर होता है। इसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो साधारण नमक हम जो खाते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। और ये कहाँ से बनता है, ये समुद्र के खारे पानी से बनता है। एक लीटर खारे पानी में 30 से 35 ग्राम लवण होता है, ठीक है ना। तो अब ये कैसे बनता है, किस प्रकार इसका निर्माण किया जाता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नमक का निर्माण जो होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, समुद्र के किनारे समुद्र के जल को उथले गड्ढों में इकट्ठा करके उसको वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जल के वाष्पीकृत होने पर जो कच्चा नमक बचता है, इसमें नमक के अलावा बहुत से और भी लवण मिले रहते हैं तथा कुछ रेत की भी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसको फिर क्रिस्टलीकृत कर एवं शुद्ध करके इसका उपयोग किया जाता है। समुद्री जल से नमक बनाने का काम काफ़ी मेहनत वाला होता है और इसमें सतर्कता भी बहुत बरतनी पड़ती है। नमक में पाई जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने के साथ साथ अन्य आवश्यक पदार्थों को भी मिलाया जाता है, जैसे आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है और इसीलिए ये सब लोगों को आयोडीन उपलब्ध हो सके, इसलिए नमक के उत्पादन में आयोडीन मिला दिया जाता है। पोटेशियम आयोडेट के रूप में मिलाया जाता है, ठीक है, क्यों मिलाया जाता है ये हमने आपको बता दिया। विश्व के कुछ भागों में नमक की खदानें पाई जाती हैं। अनुमानता है ये खनिज नमक समुद्र के किसी हिस्से के सूख जाने से बना होगा। जो नमक की खाने पाई जाती हैं विश्व में, उसका अनुमान ये है कि ये समुद्र के सूख जाने से वहाँ नमक की खान बन गई होगी। नमक हमारे भोजन का एक बहुत ही आवश्यक घटक होता है, किंतु क्या हम समुद्री जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम समुद्री जल में या खारे जल में भोजन नहीं बना सकते हैं, लेकिन बगैर नमक के भोजन भी अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, स्वादिष्ट नहीं होता, पौष्टिक नहीं होता है। जैविक प्रक्रियाओं में भी नमक का बहुत अधिक महत्व होता है। हमारे भोजन में इसकी उचित मात्रा होनी चाहिए। शरीर में इसकी अधिक मात्रा उच्च रक्तचाप तथा कम मात्रा निम्न रक्तचाप का कारण होता है। अगर ज़्यादा नमक हो गया तो उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, और अगर नमक की मात्रा कम हो गई तो लो ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये उचित मात्रा में होना चाहिए नमक। अब नमक के यूज़ क्या है, खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाने के लिए ये एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोका जा सकता है। साधारण नमक दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कई पदार्थों जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का साबुन, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। नमक ORS या पुनर्योजी विलयन जीवन रक्षक घोल बनाने के काम में भी उपयोग में लाया जाता है। नमक और शक्कर के पानी में घुलने से बने पुनर्योजी विलयन, जिसको ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है, का उपयोग शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर प्राथमिक उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है। खाने के सोडा का उपयोग प्रायः रसोई घर में खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है,
होता है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इसे सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर सॉल्वे अमोनिया विधि द्वारा बनाया जाता है। किस विधि द्वारा? सॉल्वे अमोनिया विधि द्वारा बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिविंग टू NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आपको पिछले चैप्टर में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH मान की जांच को बताया गया था। अब आप बता सकते हैं कि इसका उपयोग अम्लीय विलयन को उदासीन करने के लिए क्यों किया जाता है? क्यों? ये क्या है? क्षार है। खाने के सोडे को गर्म करने पर यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जब खाने के सोडा को गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट बनता है, 2NaHCO3 गिविंग टू, इसको गर्म किया गया, खाने का सोडा मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से जो ब्रेड वगैरह होती ना, ब्रेड में भी ये मिलाया जाता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती तो फूल जाती है क्योंकि गैस निकलती है। अब इसके बेकिंग पाउडर के उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा के उपयोग क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग पाउडर बनाने, बेकिंग पाउडर खाने का सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर खाने का सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है तब अभिक्रिया निम्न अनुसार होती है। किस प्रकार से होती है ये मैं भी आपको बता देते हैं। NaHCO3 प्लस H प्लस H आयन है यहाँ पर, ठीक है, गिविंग टू CO2 गैस मुक्त हुई। यहाँ ऊपर ये जो एरो बता रहा है ये आपका क्या बताता है, ये गैस मुक्त हो रही है, ठीक है, प्लस H2O जल प्लस अम्ल का सोडियम लवण। तो इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड, खमण और केक फूल जाते हैं, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जिससे वे मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेट की अम्लीयता, एसिडिटी, तो ये एंटासिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में यूज होते हैं। पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट के अम्ल को उदासीन करता है, ठीक है। जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि अब ये NaHCO3 क्या है, इसके pH की जांच की गई, तो अब आप बता सकते हैं कि क्या, तो हमने कहा कि क्षार है इसलिए इसको उदासीन कर रहा है, अम्लीयता को कम कर रहा है। इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। कपड़े धोने का साबुन क्या होता है, वॉशिंग सोडा, इसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3×10H2O होता है। आप देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। हमने अभी आपको ऊपर बताया कि बेकिंग सोडा NaHCO3 को जब गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है, धावन सोडा, साबुन प्राप्त होता है। तो अब यहाँ 10H2O क्या दर्शाता है, ये पानी की मात्रता को, सांद्रता को, अर्थात इसकी गीलेपन को दर्शाता है, आर्द्रता को। क्या यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट के प्रत्येक अणु के साथ जल के 10 अणु होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि यह विलयन के रूप में होता है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसमें जल के अणु मुक्त नहीं होते। किसी भी लवण के सूत्र में जुड़े जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं और एक सफेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को उत्फुलन, एफ्लोरिसेंस भी कहते हैं, ठीक है, उत्फुलन कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो क्या है, Na2CO3×10H2O सॉलिड है, ठोस है, खुला रखने पर Na2CO3×H2O S प्लस 9H2O, अर्थात जब सोडियम कार्बोनेट को, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को
खुला छोड़ दिया जाता है तो इससे नौ जल के अणु निकल जाते हैं और एक अणु बचता है जो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। तो नौ जल के अणुओं के निकलने का, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट से नौ जल के अणुओं को के बाहर निकलने के प्रक्रिया को या गुण को उत्फुलन कहते हैं, एफ्लोरेसेंस कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आता है, इसलिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि उत्फुलन क्या है, उत्फुलन किसे कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा लिखनी है और ये आपको उदाहरण भी लिखना है। Na2CO3 into 10H2O सॉलिड खुला रखने पर Na2CO3 into H2O सॉलिड प्लस 9H2O, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, धावन सोडे का? इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, वस्त्र और कागज उद्योगों में होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हैं तीन, बेकिंग पाउडर के यौगिकों का मिश्रण क्या है, उत्फुलन किसे कहते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, इनका आप बता सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा, अगर हाथ पैर टूट जाता है तो डॉक्टर उस पर प्लास्टर चढ़ा देता है। तो जो प्लास्टर चढ़ाता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 into half H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस into H2O कहते हैं। इसे जिप्सम CaSO4 into 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। CaSO4 into 2H2O giving to 100 डिग्री सेल्सियस CaSO4 into half H2O plus 1.5 H2O, डेढ़ अणु पानी के अलग हो जाते हैं और आधा अणु पानी का बचता है कैल्शियम सल्फेट के साथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है, यह जल के साथ मिलाने पर पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। आपने देखा होगा कि जब किसी के हाथ में प्लास्टर या पैर में प्लास्टर बनता है तो शुरू जब वो सूख जाता है तो बहुत ही कठोर हो जाता है। सूखता कब है? उसे पानी मिला करके हाथ में लपेट दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, और जब इस पानी मिलाया जाता है तो ये क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। और फिर जब ये सूख जाता है तो बहुत ही कठोर होता है, क्योंकि जिप्सम एक कठोर पदार्थ होता है। इसका उपयोग क्या होता है? डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए करते हैं। मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में होता है। सांचे और मॉडल बनाने में होता है। चौक बनाने में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को नदी तालाब में विसर्जित करने से जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं, इसलिए इसको नदी और तालाब में विसर्जित नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए कम प्रदूषण करने वाली मूर्तियों का ही कम प्रदूषण करने वाली वस्तुओं से ही मूर्तियों का निर्माण करना चाहिए, जिनको हम आसानी से जल में विसर्जित कर सकें, ठीक है। तो अब बात करते हैं विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसे बनाया जा सकता है, ठीक है। किससे बनाया जा सकता है? शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसको बनाया जा सकता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम CaHydroxyOH2S, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका जो नाम होता है, किसका? विरंजक चूर्ण का। इसमें CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गैस है, गर्म किया गया, सॉरी Cl2 गैस इसमें प्रवाहित की गई, तो ये आपका क्या बन जाएगा? CaOCl2 और जल ये गैस के रूप में
मुक्त हो जाएगा, मतलब वास बन करके निकल जाएगी, ठीक है। तो ये विरंजक चूर्ण बन जाएगा। यह पीलापन लिए हुए एक सफ़ेद चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है। वायु में खुला छोड़ने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तो CaOCl2 प्लस CO2 गिविंग टू CaOCl CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2, ठीक है। तो ये आपका बन गया। और अब इसके उपयोग की बात करते हैं। विरंजक चूर्ण पानी को शुद्ध करने में काम आता है, और कोई भी अगर कपड़े में दाग हो जाते हैं तो उसको भी गायब करने के काम आता है। वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में विरंजन की क्रिया उसमें से निकलने वाली क्लोरीन गैस के कारण होती है। कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी के विरंजन में पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब आगे के टॉपिक अगले वीडियो में, आज इतना ही। और आप इसको जितने भी हमने आपको बताया, विरंजक चूर्ण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आपका धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, नमक है, इनको रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।